दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मूमल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला स्वीट कॉर्न, बटर मसाला स्वीट कॉर्न। तो यहाँ मैंने ये फ्रोजन वाले लिए हैं स्वीट कॉर्न, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे तो घर पे भी मकई के दाने निकाल सकते हैं। तो इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब उसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न। इनको थोड़ा 3-4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब तक स्वीट कॉर्न बॉईल हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। यहाँ मैंने शिमला मिर्ची ली है, 1 शिमला मिर्ची काट ली मैंने, और ये अनार के दाने, और ये मैंने 1 लाल मिर्ची ली है बारीक कट करके, और ये मैंने टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाल के साइड में कर दिए, और ये प्याज, और ये लिया है मैंने मेयोनीज। तो यहाँ मेरे स्वीट कॉर्न बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बटर ले लिया है, तो ये मैंने डाल दिया इसमें गरम गरम स्वीट कॉर्न। तो ये देखिए, मैंने जो बटर डाला था वो पिघल चुका है। मैंने इसके ऊपर गरम गरम स्वीट कॉर्न डाल दिया इसलिए। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक थोड़ा डालूंगी क्योंकि बॉईल करते टाइम भी मैंने नमक डाला था, तो ये बस इतना सा नमक डालूंगी। और ये डालूंगी मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इसको थोड़ा मिक्स करके, और अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। जो तीखी नहीं होती, कलर अच्छा आता है उससे। ये इतनी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये मैंने ले लिया है चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं डालूंगी वेजिटेबल्स जो भी मैंने काटी है। यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लाल मिर्ची काटी है, और ये टमाटर, और ये शिमला मिर्ची, और ये प्याज, अब इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब मैं डालूंगी अनार। तो यहां मैंने आधी कटोरी अनार लिया है, तो ये मेरी स्वीट कॉर्न बनके तैयार है, मसाला स्वीट कॉर्न। बिल्कुल सरल तरीका है बनाने का, आराम से बना सकते हैं घर पे। और अब मैं इसमें मिक्स करूंगी मेयोनीज 1 चम्मच भर के। तो यह मेरी मसाला स्वीट कॉर्न चाट बनके तैयार है। कैसी लगी कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।